अपने झूठे वायदों से गुजरात को बहकाने की कोशिश कर रहे हार्दिक पटेल को गुजरात की बेटी का ही करारा जवाब। कांग्रेस के साथ जुगलबंदी कर विकास को गाली देने और खुद मौज मस्ती करने वाले हार्दिक की सांसें थम जाएंगी। ब्लॉगर काजल त्रिवेदी की दहाड़ सुनकर काजल ने हार्दिक के 10 सवालों के ऐसे जवाब दिए हैं कि सुनकर वो बगले झांकते नजर आएंगे। तो सवाल नंबर 1, गुजरात अपने आप में अगर एक अलग देश होता ना, तो देश अलग विश्व में, विश्व के अलग देशों में गुजरात 67th के स्थान पर होता। इतनी गुजरात की इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो आप ये जो विकास को लेके बकवास करते हो ना, आपके दिमाग का विकास नहीं हुआ है। आपको मेंटल असाइलम में जाना चाहिए और अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। सवाल नंबर 2, मोदी जी ने अच्छे अच्छों को हिला के रखा है, आतंकवादियों की बैंड बजा के रखी है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके रखी है, उनके खिलाफ सारी अपोजिशन एक हो गई है, और तुम जैसे आवारा टपोरियों से मोदी जी डरेंगे? थोड़ा है ना सोच कर बात किया करो। सवाल नंबर 3, 22 साल या 23 साल का गुजरात का जो भी विकास है वो पूरे विश्व में लोग जानते हैं। गुजरात एक रोल मॉडल है। आप किसी भी तरह से है ना, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही नहीं आपकी, ना तो इंटीग्रिटी है, ना ऑनेस्टी है, ना डिग्निटी है, कैरेक्टर तो आपका बिल्कुल ही ढीला है। इतना जाहिल इंसान है जो एक नेशनल टेलीविजन पर प्रधानमंत्री की गरिमा को भी नहीं रख रहा है। सवाल नंबर 4, एक्चुअली गिनतों में आपसे आती है, क्योंकि गुजरात की धरती ने सपूतों को जन्म दिया है। और एक आप देख लो, परवरिश इतनी घटिया मिली है ना आपको कि देश को और दुनिया पर और गुजरात पर आप कलंक हो। सवाल नंबर 5, मोदी जी फॉरेन इन्वेस्टर्स को देश में आने का न्योता दे रहे हैं, तो फॉरेन का पैसा देश में आ रहा है। हमारे देश का फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है आज की तारीख में आपको पता है? $402 बिलियन अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है। मोदी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश का बढ़ा रहे, वो बढ़ेगा तो रोजगार उससे ही उत्पन्न होंगे, रुपया हमारा सशक्त होगा इंटरनेशनल मार्केट में। आप है ना एक नंबर के बैल बुद्धि हो। आप दो चीज कनेक्ट कर अपनी है ना मूर्खता का परिचय हमें दे चुके हो। सवाल नंबर 6, जब सेंटर में कांग्रेस थी और जब राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार थी, 5% गुर्जर लोगों को रेस्ट ऑफ द 50% में से एक्स्ट्रा 5% भी वो लोग नहीं दिलवा पाए आरक्षण। 44 पर है, 2-3 मेजोरिटी चाहिए इन बोथ द हाउसेस। कहां से लाओगे मेजोरिटी? सवाल नंबर 7, आप जैसे लोगों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। दंगे करवा दिए, क्या मजाक चल रहा है गुजरात में? दंगे करना क्या टेकन एज अ ग्रांटेड ले ले? सवाल नंबर 8, क्या है तुम जॉब क्रिएट की बात करते हो, तुम्हारा क्या है? तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आया? एडिडास के शूज पहन के आए थे ना तुम? मेरे ख्याल से तो तुम कोई नौकरी धंधा करते ही नहीं, नई फैमिली स्ट्रॉन्ग ट्रैक बैकग्राउंड है तुम्हारा। ऐसा भी नहीं है कि तुम खानदानी रईस हो, फॉर्च्यूनर में घूमते हो, आईफोन यूज करते हो, एडिडास के जूते पहनते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड घड़ियां पहनते हो, 5-स्टार में रहते हो, तो कहाँ से आता है पैसा? सवाल नंबर 9, तो अब मतलब कि भाजपा के कोई लीडर्स भी ना आए, आपकी अप्रूवल चाहिए। मोदी जी तो यूपी में भी गए थे प्रचार करने, वो तो उत्तराखंड में भी गए थे, वो अभी हिमाचल में भी गए, तो गुजरात भी आया, और हर जगह से सब लोग आते कि राहुल गांधी नहीं आ रहा है प्रचार करने। आप जैसे आतंकवादी, ये हफीज सईद कांपता है मोदी जी से, वो तुम जैसे, अब मेरे को है ना मेरी शब्द की थोड़ी मर्यादा है। सवाल नंबर 10, आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि आप उनके सामने बैठा करें या कुछ भी वो करें। आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, मेरे इस पेज पर बहुत सारे मीडिया वाले भी मुझसे जुड़े हुए हैं। इन जवाबों को सुनकर हार्दिक बार बार पानी पी रहे होंगे। अरे अभी तो ये एक बेटी का ही जवाब है, सोचिए क्या होगा जब पूरा गुजरात ही हार्दिक की कलई का हिसाब नामा पढ़ेगा।